तो मेरे साथ है अपर्णा सान मैम, जिन्होंने सबसे पहले अपनी सिनेमा से बंगाल का जादू सबको दिखाया था. मैम, नाउ आई थिंक यू मस्ट बी हैविंग अ वेरी यू नो देजा वू फीलिंग, बिकॉज नाउ होयचोई हैज लाइक रियली मेड इट लाइक इंटरनेशनल. नाउ बांग्ला सिनेमा इज नाउ इंटरनेशनल. सत्यजीत रे से मतलब इतना बड़ा सबसे पहले वर्ल्ड को उन्होंने दिखाया सिनेमा. योर सिनेमा वॉज दिस थिंग एंड नाउ दिस OTT हैज टोटली चेंज द गेम. मैंने तो होयचोई को बिल्कुल शुरुआत से देखी और ये 5 साल में होयचोई ने जहाँ पहुँचे वो तो मैं सोच भी नहीं सकती और बहुत गर्व होता है. क्या है वो मेरी भी तीन फिल्म है होयचोई में. हाँ और क्या है कि अब आजकल जो है नेटफ्लिक्स प्राइम वीडियो हॉटस्टार होयचोई होयचोई में बहुत सारी फिल्म ऐसा होता है कि मैं हॉल जाके नहीं मतलब नहीं जा पाई. तो मैं सोच रही उस वक्त मैं सोचती हूँ कि ठीक है देख नहीं पाई हॉल में, होयचोई में आएगा देख लूँगी. तो मैं जानती हूँ कि होयचोई में फिल्म आएगी और मैं वहाँ देख लूँगी. और मैंने बहुत सारे दोस्तों को जो कि बाहर रहते हैं, जो कि इंडिया के बाहर रहते हैं, उनसे मैंने कहा कि बंगला फिल्म अगर आप देखना चाहोगे तो प्लीज़ होयचोई ऐप लाओ घर में. तो सिर्फ आजकल जितने सारे फिल्म हो रही हैं वो नहीं, पुराने फिल्में भी कितने सारे पुराने टाइटल्स होयचोई में है. वो मतलब मुझे तो बहुत गर्व होता है. इतनी अचानक मैंने देखी जो मैंने नहीं देख पाया था. आई वाज सो लकी आई कुड सी इट ऑन होयचोई. इनफैक्ट आपकी पुरानी फिल्में बहुत अच्छी, हमें नहीं देख पाते थे वो अब यहाँ देख सकते हैं. फिल्में हैं जो कि मैंने SVF के साथ बनाई, अपना इति मृणालिनी गोयनार बाक्षो एंड घोड़े बाई राज. लेकिन मेरी बहुत सारी पुरानी फिल्में हैं जो इफ होयचोई गेट्स देम देन आई वुड बी वेरी हैप्पी. जब पौरोमा युगांत ये सब अगर होयचोई मतलब इफ होयचोई गेट्स देम और वो स्ट्रीम करें उन्हें तो मुझे बहुत बहुत खुशी होगी. बट कहीं ना कहीं OTT हैज़ लिबरेटेड पीपल, लिबरेटेड द एक्टर्स, लिबरेटेड द फिल्म मेकर्स. जैसे आपने जब शुरू किया था तो बहुत ही एक लिमिटेड मीडियम था कि फिल्में यहाँ रिलीज होंगी, थिएटर में रिलीज होंगी. बट डू यू थिंक इट्स अ वेरी हैप्पी फेस फॉर द फिल्म मेकर्स? इट इज़ एंड इट इज़न्ट, बिकॉज आई थिंक नथिंग कम्पेयर्स टू द एक्सपीरियंस ऑन बिग स्क्रीन. जो बड़े स्क्रीन में आप देखते हो ना, बहुत सारे ऑडियंस आपके साथ देखते हैं और वो सीन्स देखकर एक साथ हंसते हैं, एक साथ दुखी होते हैं, एक साथ गास्प करते ऐसा गास्प करते हैं. वो जो एक्सपीरियंस है उसको मुकाबला करे ऐसा मतलब OTT में मुझे, मेरे ख्याल में, मैं पुराने ज़माने की इंसान हूँ तो मुझे नहीं लगता है उसका काबिल है. लेकिन ये भी है कि आजकल आप जब हॉल में जाकर फिल्में देखते हैं तो इंटरवल होता है, फिर कई मतलब पॉपकॉर्न, ये आइसक्रीम वगैरह 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 आ जाते हैं. और आपने जो देखा है इंटरवल के पहले जो आपने देख चुके हैं, उसके बाद जो आने वाला है उस मतलब आपको एक इंटरप्शन आ जाता है जो कि आप OTT में नहीं होता. OTT में जो एक्सपीरियंस होती है वो मतलब एक साथ एक मतलब होल टोटल एक्सपीरियंस मिलता है आपको. वो उसके लिए भी मतलब देयर आर टू साइड्स टू इट, यू नो, दैट इज़ आल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट, दैट इंटायर टोटलिटी ऑफ एक्सपीरियंस, दैट्स आल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट. और वो हमें मिलता है होयचोई में, नेटफ्लिक्स में, मतलब और सारे OTT जो प्लेटफॉर्म्स हैं उसमें. तो इन सारे प्लेटफॉर्म्स में मुझे बहुत गर्व है कि एक बंगला चैनल, बंगला प्लेटफॉर्म OTT वहाँ आके मतलब इट्स गॉट इट्स ओन प्लेस देयर, दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट. उनको नाम तो काफ़ी OTT पे काम कर रही है. आपका OTT में कितना अभी आपको लगता है आप, व्हेन कैन वी सी मोर ऑफ यू?
I don't know. I have not yet made a web series, but maybe I will.